वन IITian ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन की जो बड़ी खबरें हैं उनके बारे में। RBI ने बाजार को एक काफ़ी अच्छी खुशखबरी दी है, वो IRCTC के लिए जो खबर आई है, टाटा स्टील के लिए, एप्पल जो आईफोन बनाती है कंपनी उसके लिए, LIC के लिए, तो एप्पल का क्या रिलेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। और भी बहुत सारी खबरें हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो आपको देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती है, न्यूज़ की अपडेट आपको मिलती है, और साथ में हमने चैट सेक्शन भी ओपन करके रखा है ताकि आपका सवाल हो तो वहां पे आप हमसे पूछ सकते हो, अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकते हो। डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट भी हमारे अंडर में ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, फ्री में डीमैट अकाउंट आपका ओपन होगा। अब चलते हैं यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर, तो जो सबसे पहली जो न्यूज़ है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहली जो न्यूज़ है ये है कि ICRR कैश रिजर्व रेशियो रखते थे, ठीक है। अब ये क्या है, क्यों है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि देखो, MPC की बैठक हुई थी, MPC की मॉनेटरी पॉलिसी की, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की बैठक हुई थी, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन होता था, ठीक है। इंटरेस्ट रेट तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इंटरेस्ट रेट के अंदर, लेकिन यहाँ पे RBI गवर्नर साहब ने क्या किया कि ICRR है उसको क्या कर दिया था, 10% कर दिया था, मिनिमम 10% कर दिया था। अब क्या चीज़ है, देखो ये क्यों किया था, ये इसलिए किया था क्योंकि 2000 के नोट हैं वो जमा करवाए गए थे, लगभग 2,00,000 करोड़ के जो बैंकों के थ्रू है वो कलेक्ट करवाए गए थे RBI गवर्नर साहब के द्वारा। तो उस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने 2,00,000 करोड़ रुपए के जो नोट हैं वो इकट्ठे करवाए, तो छोटे नोट हैं वो मार्केट के अंदर ज़्यादा चले गए थे। अब छोटे नोट ज़्यादा चले गए तो यहाँ पे क्या हुआ कि लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई, और वहाँ पे महंगाई है वो उस वजह से भी हो गया थोड़ा सा, और महंगाई थोड़ा आपको पता ही होगा कि 8.41% के करीबन महंगाई है वो आई थी। तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया कि बैंकों के अंदर जो सरप्लस अमाउंट है या जो पैसा है, ठीक है, उसको यहाँ पे सक किया RBI ने, और किसके थ्रू किया, जो कैश रिजर्व रेशियो है कि बैंक हैं वो RBI के पास पैसा रखेंगे मिनिमम 10% का। तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे बैंकों के अंदर लिक्विडिटी कम हुई, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम हुई, वो एक मार्केट के लिए सेंटीमेंट खराब वाली सिचुएशन थी। उस टाइम पे RBI गवर्नर साहब ने ये बोला था कि आने वाले टाइम के अंदर इसको रिव्यू करेंगे, और रिव्यू किया, ठीक है, आज इसको रिव्यू किया यहाँ पे, और ICRR की ये अंदाजा था कि इसको थोड़ा सा कम करेंगे, 8% 5% के करीबन करेंगे, तो ये चीज़ होने वाली थी। लेकिन गवर्नर साहब ने क्या किया, एकदम मार्केट को चौंका दिया, और ICRR है उसको एकदम 0% करने की घोषणा कर दी कि ICRR है उसको 10% से हम हटा देंगे, बिल्कुल कोई हमें रिजर्व रेशियो रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो ये जो चीज़ है वो क्या हुई, वापस से पॉजिटिव चीज़ हो गई, क्योंकि अगर ये नहीं, मतलब अगर 10% नहीं रखते हैं तो मार्केट के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर लगभग 1,00,000 करोड़ की लिक्विडिटी है वो इनफ्लो होगी, ठीक है। 1,00,000 करोड़ की लिक्विडिटी इनफ्लो होती है तो वो 3,00,000 करोड़ के बराबर काम करती है, ध्यान रखना। कोई भी चीज़ है वो गवर्नमेंट खर्च करती है तो उसको 1 रुपया को खर्च करती है तो वो 3 रुपये के अंदर सर्कुलेशन होता है, 3 रुपये के बराबर काम करता है वो। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, वापस से लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आएगी 1,00,000 करोड़ की बैंकिंग सेक्टर में। तो यहां पे ये स्टेप वाइज होगा, अभी एकदम से नहीं होगा, आपको देखना होगा कि 23 सितंबर है उसको ICR का 25% हिस्सा जारी होने वाला है, और पहले चरण में कल ही, ठीक है, आज यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे कि 7 सितंबर है, और आज तो यहाँ पे आप देखोगे कि 25% है वो लिक्विडिटी मार्केट में आ जाएगी, फिर 23 सितंबर को यहाँ पे 25% लिक्विडिटी है वो आ जाएगी, 50% हो गया, और बाकी का 50% है वो 7 अक्टूबर के बाद में है वो ICRR की पूरी तरह हट जाएगा, यानी कि मार्केट में आ जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है मार्केट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो IRCTC को लेकर के है। IRCTC का शेयर है वो एकदम से बहुत अच्छा भागा और वापस से थोड़ा सा नीचे आया, क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, तो देखो यहाँ पे एक न्यूज़ आई IRCTC के लिए कि IRCTC अब तक क्या करके आ रहा था कि जो भी यहाँ पे जो रेलवे है वहाँ पे टिकट बुकिंग का काम करता ही है, लेकिन ये ई कैटरिंग का भी काम करता है, ठीक है। वहाँ पे ट्रेन के अंदर कोई भी खाना ऑर्डर करता है तो ये इसके थ्रू ही होता था, ठीक है। कुछ समय पहले IRCTC ने कहा कि अब कोई भी अगर खाना ऑर्डर करेगा तो वो IRCTC के तहत ही होगा, तो इसका टेंडर सिर्फ और सिर्फ IRCTC को था। आज यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आई कि IRCTC ने कहा कि, या IRCTC को परमिशन मिली, ठीक है, FTR के आधार पर कैटरिंग सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। अब मार्केट के अंदर एकदम से ये न्यूज़ आई ना, तब तो ये समझा लोगों ने कि IRCTC अब सिर्फ और सिर्फ एकमात्र या मोनोपोली कंपनी हो गई जिसके थ्रू आप कोई भी ट्रेन के अंदर बैठ के खाना ऑर्डर करोगे तो आप किसी दूसरे वेंडर का या दूसरे किसी का भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकते। आप करते हुए हो तो वहाँ पे IRCTC के थ्रू ही आपका खाना है वो ऑर्डर होगा। लेकिन आपको बताना ये
सही होगा कि मार्केट के अंदर ये जो न्यूज आई मार्केट के अंदर ये भाग गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में क्लेरिफिकेशन आया कि ये चीज हो रही थी, ठीक है, पहले से भी हो रही थी, लेकिन यहां पे एक चीज नहीं हो रही थी। एक चीज क्या नहीं हो रही थी कि पहले क्या होता था कि कई बार किसी शादी के लिए या पार्टी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए पर्टिकुलर कोई भी आदमी, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, ठीक है, वो क्या करते थे, ट्रेन है उसकी कोच को, पूरे को कोच को बुक कर लेते थे या पूरी ट्रेन को ही बुक कर लेते थे, और वहाँ पे अगर वो ट्रेन को खुद बुक करके ले जाते थे तो उसके अंदर क्या होता था कि पहले वो खाना बनाने के सामान भी खुद ही लेके चले जाते थे। तो उस वजह से क्या हुआ कि ट्रेन के अंदर कई बार हादसे हो गए, एक बार सिलेंडर भी फट गया था। तो उस वजह से अब क्या हुआ कि IRCTC और जो रेलवे है उन्होंने मिलके एक चीज निकाली कि अब कोई भी अगर चाहे वो शादी पार्टी किसी भी प्रकार की बुकिंग हो, जो पूरे कोच को बुक करेगा या पूरी ट्रेन को ही बुक करेगा, तो उसके अंदर भी क्या होगा, IRCTC ही खाना बनाएगा। कोई भी वहां पे शादी पार्टी वाला है वो जाएगा तो वहां पे अपने साथ में खाना बनाने के सामान नहीं लेके जाएगा या खाना नहीं बनाएगा, वो खाना भी IRCTC के थ्रू ही ऑर्डर होगा, IRCTC ही बना करके देने वाला है। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे फिर से वापस हुआ कि ये बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं है, हालांकि अच्छी न्यूज है या बड़ी भी है, मतलब हल्की फुल्की न्यूज है, लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज नहीं थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया। तो दोनों ही न्यूज मैंने आपको बता दी है। थर्ड जो न्यूज है वो है एप्पल को लेकर के, क्यों ये मार्केट के लिए और अपने मार्केट के लिए एक सही चीज है या खराब चीज है वो डिस्कस करते हैं। तो देखो एप्पल के शेयर में दूसरे दिन 3% की गिरावट हुई थी, उस वजह से नैस्डेक है वो गिरा, ठीक है, अमेरिका के मार्केट के अंदर थोड़ा सा दबाव था। अब आप देखोगे कि एप्पल का इतनी ज्यादा रेप्यूटेड है और कितनी बड़ी कंपनी है, क्यों हुआ, क्योंकि चाइना के अंदर ये एक यहां पे अनाउंसमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने कि जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो आईफोन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब आईफोन का यूज नहीं करेंगे ये चीज आई तो देखो एप्पल के लिए तो खराब हो गया, क्योंकि वहां पे चाइना के अंदर है एप्पल के फोन का कंजम्पशन है वो कम हो गया, इस वजह से एप्पल के ऊपर तो दबाव है। लेकिन आप देखोगे कि चाइना है वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, अब ये चीज नहीं हो सकती कि अपने खुद की घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए वो ये नहीं बोल सकता कि एप्पल के फोन को आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ उसने बोला है, बोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक खराब चीज है, ठीक है। वो अगर ये बोलता है तो फिर कोई भी देश ये बोल देगा कि हम भी चाइना की किसी भी चीज को यूज नहीं करेंगे, हम भी हमारी कंपनियां हैं वो बनाती हैं उन्हीं को यूज करेंगे, चाइना की किसी भी चीज को यूज नहीं करेंगे, तो वो एक अलग चीज हो जाता है। तो उस वजह से मार्केट के ऊपर यहाँ पे इंपैक्ट गलत पड़ता है। हालांकि इंडिया को देखोगे अगर आप, तो इंडिया के लिए तो चीज सही है, क्योंकि चाइना के अंदर कंजम्पशन कम होगा तो इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन है वो कंजम्पशन करेगी, एप्पल का फोन का प्राइस है वो डाउन होगा, तो डाउन होगा तो इंडिया के लिए भी ठीक है, इंडिया की कंपनियों के लिए भी ठीक है। तो इंपैक्ट तो मार्केट के ऊपर ठीक है, अपने लिए ठीक पड़ता है, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। इसके बाद में ये जो न्यूज़ है मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ये दिखाना इसलिए सही है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि BCCI जो है वो वर्ल्ड कप के लिए 400,000 टिकट बेचेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या बड़ी बात हुई, हो तो पहले भी बेच रहा था ना, तो आपको बताना चाहूंगा कि इसने पहले बेच दिया और बेचने के बाद में बंद कर दी थी टिकटें, ठीक है, वर्ल्ड कप की टिकटें बंद कर दी थी, लेकिन लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड आई कि फेज 2 है वो चालू किया गया है और फेज 2 के अंदर 400,000 टिकटें हैं वो और बिक्री करेगा। तो इस चीज़ से आपको समझ में आना चाहिए कि लोगों के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों के पास पैसा भी है, खर्च करने की कैपेसिटी भी है और लोग कमा रहे हैं, इस वजह से है। अब ये चीज़ क्यों अपने लिए सही हो जाती है कि भाई आप देखोगे कि पहले इतने सारे लोग, इस चीज से आपको अंदाजा भी होना चाहिए कि कितने सारे लोग हैं वो ट्रैवलिंग करेंगे, कितने सारे टूर पे जाएंगे, कितने सारे हैं होटल्स बुकिंग करेंगे, तो ये और कितने सारे जाएंगे तो खाना भी खाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कप है वो कंप्लीटली इंडिया के अंदर होगा, 47 मैचेज होंगे टोटल वर्ल्ड कप के अंदर, टोटल के टोटल इंडिया में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आपको ट्रैवल से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड, ठीक है, और खाना खाने से, जैसे आप जोमेटो को देख लो, देवयन इंटरनेशनल को देख लो, और बहुत सारी खाने बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं या डिलीवरी देने वाली कंपनियां हैं उनको आप देखो, तो उनके लिए ये अच्छी न्यूज है, इसलिए मैंने ये लगाई है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, हमने पहले भी एक फेस्टिवल थीम के नाम से भी एक वीडियो बनाया था, वो भी बहुत अच्छा वीडियो है, उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी, उसके अंदर वीडियो को आप देखना है, क्योंकि उसमें सिर्फ वर्ल्ड कप का ही नहीं, मैंने पूरे फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस किया था और पूरी फेस्टिवल की थीम के हिसाब से मैंने अलग अलग थीम है वो बताई थी, अलग अलग कंपनियां सेक्टर बताए थे, वो वीडियो आपको देखना है तो यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको मिल रहा होगा, तो वहाँ पे भी जाकर के देख लेना, ठीक है, पूरी थीम का वीडियो। इसके बाद में यहाँ पे G20 की समिट है वो चालू हो चुकी है, चालू तो क्या मतलब 9 से 10 को होगी, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे भाग लेने वाले हैं, जो कंट्रीज के यहाँ पे लीडर्स हैं वो आ चुके हैं लगभग और आने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे खर्चे हैं वो होने वाले हैं। अब खर्चे का मीनिंग ये नहीं है कि ये खराब चीज़ है, ठीक है, ये मीनिंग ये है कि इंडिया है वो दिखाएगा कि उसकी कैपेसिटी क्या है। इंडिया यहाँ पे जो G20 है उसके अंदर बहुत सारी जो अनाउंसमेंट है वो हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो मार्केट के लिए निकल के आ सकती हैं,
ठीक है, क्रिप्टो करेंसी से लेकर के निकल के आ सकती है, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और बहुत अच्छे इवेंट हो रहे हैं तो आपको इनको देखना चाहिए, काफ़ी अच्छा लगता है आप इसको देखोगे तो। इसके बाद में जो न्यूज़ है वो है टाटा स्टील के लिए। टाटा स्टील ने क्या किया है, अवाडा जो है ओडिशा के, अवाडा है उसने क्या किया, ओडिशा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए करार किया है दोनों ने, टाटा स्टील और अवाडा ने। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे करार करके क्या किया है टाटा स्टील ने, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के अंदर क्या काम किया है, एक अच्छा कदम रखा है। जो कि यहाँ पे पहले काम कौन कर रहा था, रिलायंस इंडस्ट्री, उसका टारगेट ये है कि 2035 तक भारत को ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दे। तो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर आपको ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ के जो है, मेरे साथ का जो मेरे केमिकल इंजीनियरिंग से ही है और आईआईटी बीएचयू से यहाँ पर पास आउट है, तो मेरे साथ का ही आदमी है या लड़का है, तो वो क्या कर रहा है उसके अंदर है ये, सॉरी रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, और वो बता रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे प्लांट है वो डिज़ाइन कर रहा है, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसको एज ए हाइड्रोजन फ्यूल के जैसे यूज़ करने वाले हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब इसके बाद में चलते हैं कि यहां पे एक्साइड है और EESL है, इन दोनों में क्या हुआ है, राइट इश्यू से 100 करोड़ का निवेश करेगी। अब EESL है उसके अंदर एक्साइड करेगी, ध्यान रखना, और EESL क्या है, वो एक्साइड की सब्सिडरी है। तो यहां पे EESL के अंदर यहां पे एक्साइड है वो निवेश करेगी, तो एक्साइड का जो यहां पे निवेश से यहां पे क्या हुआ, उसका रेवेन्यू बढ़ने वाला है, कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, तो यह भी चीज एक सही हुई है। इसके बाद में LIC के लेकर के एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, LIC को यहाँ पे SEBI के अंदर जाना पड़ गया था, SEBI ने LIC को बुला लिया था, उसके ऊपर पेनल्टी लगने वाली थी LIC के ऊपर, ठीक है, तो ये क्यों नहीं हुआ, ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ नहीं हुई और LIC ने जो किया वो सही साबित हो गया, ठीक है। LIC ने SEBI के अंदर गया और SEBI क्या है, पेनल्टी लगाने वाला था, लेकिन वो नहीं लगी, ठीक है, और SEBI ने भी फिर ये चीज़ सही मानी कि LIC ने कोई गलती नहीं की है। LIC ने क्या किया कि कुछ जो यहाँ पे शेयर्स हैं उनके अंदर क्या किया, या कुछ कंपनियां हैं उनके अंदर क्या किया, उसने अच्छी खासी हिस्सेदारी बेच दी। तो अगर इतना ज़्यादा अमाउंट की बेचोगे तो वहाँ पे आपको उसका रीजन बताना पड़ेगा, वहाँ पे आप SEBI को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिंपल जो LIC है उसने कहा कि IDBI जो बैंक है उसमें हमारी हिस्सेदारी 10% से ऊपर थी, और फिर हमने एक क्या किया कि जो म्यूचुअल फंड है LIC का, उसके अंदर जो जैसे जो LIC का म्यूचुअल फंड है उसको भी LIC है वही स्पॉन्सरशिप करती है, तो इसके तहत क्या हुआ कि 10, ये जो नियम है सेकंड वाला, इस जो नियम निकाल रखा है SEBI ने, तो उन्होंने कहा कि नियमों के तहत एक कंपनी है जैसे LIC है, वो दो म्यूचुअल फंड में 10% या अधिक हिस्सा नहीं रख सकती, ठीक है। तो इसने क्या कर रखा था, IDBI है उस कंपनी के अंदर भी अपना हिस्सा 10% से ऊपर रख रखा था, और LIC म्यूचुअल फंड है उसके अंदर भी 10% से ऊपर रख रखा था, तो इस वजह से यहां पे क्या किया, उसने नियमों के तहत बिक्री की थी 10% से नीचे लाने के लिए, तो ये एक सही चीज हो गई कि इसका यहां पे कोई घाटा नहीं हुआ, या फिर आप देखोगे कि LIC के लिए नेगेटिव साबित नहीं हुआ, जो पेनल्टी लगने वाली थी वो नहीं लगी, ठीक है। तो ये आज की जो बड़ी ट्रिगर्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, सभी प्रकार की न्यूज़ थी वो मैंने आपको डिस्कस की है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए, न्यूज़ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।